अच्छा मैनूं चंगा लगा कि मैनूं होया कि मैं पंजाब च बत्ती गई हुई है ओके नमस्कार अच्छा ये जरूरी तो नहीं हिंदी जी बोलने मैम जरूरी है मैं चला मैं और दारा सिंह जी एक की खासियत है हम दोनों जब हिंदी बोलते हैं ऐसा लगता है हम झूठ बोल रहे हैं सो मेरा नाम पक पक दीपक है घर वालों ने नाम रखा था दीपक आजकल बच्चे बड़े यूथ कितना प्यारे प्यारे यूथ है प्यारे प्यारे नाम है इनके नाम होते हैं अंकित अभिमन्यु सौरव सुनकर ही लगता है अमीर बच्चा है और जब मैं जवान हो रहा था जब मैं पैदा हुआ तो उस समय नाम तुकबंदी के साथ जोड़ते थे जैसे मेरी दो बहनें हैं नाम सुनो आरती ज्योति दीपक मैंने कहा मम्मी अपना नाम जागरण रख लेना था मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मैं सच में बताता हूं मैं एक बहुत गरीब फैमिली से था अब मेरे पास मर्सिडीज है और ये भी बात झूठ है सो मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जो मेरे साथ हुई है जब मैं छोटा था हमारे घर गेस्ट आते थे तो मैं बड़ा खुश होता था इसलिए नहीं कि मामा जी आए हैं चाचा जी आए हैं इसलिए खाने की चीजें लेके आते थे जैसे ही वो खाने वाली जाते थे मैंने खाने वाली चीज को जैसे ही खाने लगना मम्मी का एक डायलॉग आना रहने दे आएगे नहीं रख लिया आएगे नहीं रेडियो मिर्ची मेरी जॉब लग गई मुझे दिवाली पर डिनर सेट मिला मैं घर गया मैं कहा मम्मी डिनर सेट पे खाना दो उनका वही डायलॉग आएगे नहीं रख लो आएगे नहीं परसों मेरे मम्मी कहते ब्याह करा ले मैं कहा मैं पागल हूं मैं किसी की लड़की घर लाऊंगा आप क्या कहोगे सो एक्चुअली कहते कॉमेडी कहां से आती है बहुत लोग पूछते हैं कि आपने कॉमेडी कैसे सीख सच मानो मैंने कभी कॉमेडी सीखी नहीं की नहीं मेरे साथ होती है स्टार्टिंग कहां से हुई मेरी तो गरीब फैमिली से था रामलीला देखने जाता था क्योंकि पैसे नहीं थे वो फ्री में होती थी देखा एंटरटेनमेंट तो करना है तो मैंने देखा रामलीला में एक सीन है जब कुंभकर्ण को उठाते हैं तो खाने पीने की चीज ही देते हैं वो जो वानर बनते हैं तो मुझे कहा कि चलो मैं भी वानर बन जाता हूँ खाने पीने को तो मिलेगा तो वहां मेरे साथ कॉमेडी क्या हुई मैं स्टेज पे सीन तैयार मुझे डायरेक्टर ने डायलॉग दिया कि आपने बोलना है कितना समय हो गया हनुमान जी आए नहीं जब वो जाते हैं ना लंका उड़कर जाते हैं तो इधर वानर वेट करते हैं कि वो वापस आएंगे तो मैं सारा दिन ये डायलॉग याद करता रहा कितना समय हो गया हनुमान जी आए नहीं कितना समय हो गया हनुमान जी आए नहीं मेरी मम्मी टेंशन में इसमें हनुमान जी आ गए तो भगवान का नाम इतना ले रहा है मैं डायलॉग याद कर रहा था क्योंकि मैंने एक्टर बनना था रात के 9:30 बजे पर्दा खुला हजारों लोग बैठे हैं हेलो जय माता दी हेलो ठीक है पैनासोनिक सर कभी ना मुझे सो अच्छा मैं डायलॉग याद किया मैंने पूरी तरह से याद कर लिया 9:30 का टाइम पर्दा खुलता है हजारों लोग बैठे हैं मैं मन में ऐसे याद कर रहा हूँ इतना समय हो गया हनुमान जी टेंशन मेरी बुरा हाल हो रहा है मेरा तो जैसे ही मेरा डायलॉग था मैं भूल गया मैं मन में बोले जा रहा हूँ कितना समय डायरेक्टर ने आवाज मेरी बोल मैं आगे गया मैं कहा कितना समय हो गया हनुमान जी नहीं आए नीचे से आवाज आई उस समय घड़ी तेरे बाप ने बनाई थी सब सच में मैंने कॉमेडी नहीं की वो हो गई अच्छा मेरे पापा भी थे वो भी बहुत बातें करते थे तो जब मैंने अपने नानी हाउस जाता था नानी माँ के पास तो मैंने उन्हें हंसाना तो मेरी नानी का एक ही डायलॉग होता था बाप पर गया है ये भी बहुत बातें करता है बाप पर गया है जब जाना बाप पर गया एक दिन मैंने पकड़ लिया मैं कहा बाप पर गया हूं ना आपकी लड़की की इज्जत बचाइए गवाड़ियों पे चला जाता फिर उसके बाद नानी ने कुछ नहीं कहा सो ये असली बातें हैं जो मेरे साथ हुई हैं और रेडियो मिर्ची में मैं बताता हूँ रेडियो मिर्ची में मैं कैसे आया शुरुआत करता हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में दो चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दो वो लाइनें जिन्होंने दीपक से पक पक दीपक बनाया
पहला वो लाइन है शुरुआत करता हूं, दूसरी है आई एम सिलेक्टेड। जब हम किसी कंपनी में जाते हैं, जॉब होती है 20,000-25,000, तो वहां का जो मेन बंदा होता है, मैनेजर होता है, कहता है यू आर सिलेक्टेड, तो आप कितना खुश होते हो, वाह जॉब लग गई, उसने कहा है अभी यू आर सिलेक्टेड। हम पागल हो जाते हैं, कभी हम ये नहीं सोचते कि उसने कहा है कि यू आर सिलेक्टेड, तुम आरजे बनोगे, इससे बड़ी बात ही नहीं है। सो मैंने वो अपने दिमाग में रखा है, उसने कहा है यू आर सिलेक्टेड, और शुरुआत करते हैं। सो घर में मैंने बताया कि ठीक ठाक था सारा माहौल, ऐसा था तो मिडिल क्लास फैमिली की जो मम्मी होते हैं ना, उनके दिमाग में पहली बात क्या होती है, बिजली का काम सीख ले, बिजली का, एसी का, ये हाथ लगाते हैं 200 रुपया लेके चले जाते हैं, बिजली का काम सीख ले। सो मेरे मम्मी ने भी कर करा के मुझे एक कॉलेज में एडमिट करा दिया, कहने लगा जमा करा दिया, मैं पैसा भी जमा करा दिया, क्या कहते हैं हिंदी में, दाखिल कराता है, हाँ जी तेरे मुँह एडमिशन भी कितना गंदा लगता सुने ना। अच्छा उन्होंने मुझे दाखिला करा दिया, वहाँ पर मैं रहा गिनती के 2 दिन गया, बट वही एसी उसी कहाँ मैं रगड़ता रहता रे एक मार मार मैं नहीं गया। फिर मेरे मम्मी के दिमाग में एक और आइडिया आ गया, कहते मुझे पता है तू किस चीज के लिए बना है, मैं क्या चादर बेचने के लिए। फिर उन्होंने पड़ोस के किसी ने चादरों का काम शुरू किया, चादर रखनी, मैंने साइकिल लेके निकल जाना गाँव में, चादरें ले लो। अच्छा मैं डरता था, मुझे शर्म आती थी आवाज कैसे दे, मैं मन में बोलता रहता था साइकिल चला चादर ले लो, बड़ा बुरा लगता था। और फिर मैंने सोचा कि यार, अच्छा मैं जब गांव में जाता था लोगों को देखता था, कई ऐसी चीजें हैं मैंने ऑब्जर्व की जो नहीं होनी चाहिए होती है, बहुत सारी चीजें उसका कोई लेना देना नहीं होता, हम देखते हैं, जो यूथ है वो तो कभी कभी देखते हैं, और यहाँ पे जो लड़के हैं वो तो कभी नहीं देखते, वो है फैशन शो जो टीवी पे आता है, कौन कौन देखता है, सॉरी सन्नाटा, गुड। वहां के मॉडल्स को देखो, आपको समझ नहीं होगा, कागज की उसने अखबार के कपड़े डाले हुए हैं, कौन कहता है मेरी मासी के लड़के की शादी है कागज वाला सूट सी दे। और वो मॉडल्स कम, आत्माएं ज्यादा लगती हैं। मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग क्यों देखते हैं। अच्छा मैं दिखाता हूँ फैशन शो, म्यूजिक चलेगा यहाँ पर, है म्यूजिक, अच्छा बजट ज्यादा है रहने दो। अच्छा वो उन मॉडल्स को ध्यान से देखना, वो ऐसे लगती है कि लड़की नहीं आत्मा है, कैसे आएंगी वो, यहां के ऐसे खड़ी हो जाएंगी, वो नीचे वाला सोचता दीदी मैंने कपड़े फाड़े हैं। ऑब्जर्व करें, रेडियो मिर्ची में जॉब मिल गई, पता नहीं था। सो हर चीज को मैंने यही कहा, शुरुआत करें। तो पंजाब में मिर्ची मुर्गे की बारी आई, तो मैं क्या पंजाब में है, क्यों ना पंजाबी में करें, शुरुआत करें। सो मैंने एक मुर्गा बनाया, उसको अपने फेसबुक में डाला, वो सो गया। अगले दिन मैंने फेसबुक भी मैं देखता नहीं था इतना सारा, तभी 2-3 दिन बाद देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे, हर व्हाट्सएप पे मेरा मुर्गा आ रहा है, फेसबुक पे उसके समथिंग 1 लाख समथिंग शेयर हो गए थे। सो रातों रात वो मुर्गा बहुत हिट हो गया, जो आप सुनते हो मुर्गा, उच्ची बोलो चंगा लगेगा। सो है जी इतने बोले मेरा भरा भी, क्या कह आपका हुआ है, आपके मामू का मुर्गा बना है, मामू की शादी होगी, फिर तो पता नहीं वो क्या क्या बन चुके हैं। जब मशीन को चलते हुए रोकते नहीं, वो आप पे आ जाती है। सो यही मेरी कहानी है। सो मेरी लाइन यही होती थी कि जिंदगी में करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। एक टाइम ऐसा भी आया था जब आपको लगे ना कि सब कुछ ठीक चल रहा है, काम करने में मजा नहीं आ रहा, इसका मतलब आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे। मेरे साथ भी हुआ था, मुझे हुआ कि यार कर रहा हूँ वही रेडियो कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ और मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अपने ही जो चीज़ें थी लोगों की बातें सुनता था, यार तू तो ऐसा है, तेरा बहुत हिट है, तो ये है, मैं एक्चुअली उनकी बातें सुनने लगा, अपने मन की बात सुननी बंद कर दी मैंने, तो फिर मैं फ्लॉप हो गया सच में। फिर मुझे हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है, जो लोग कहते हैं ना सर आप तो भगवान हो, आप तो जो दुनिया में करने आए हो वो कर दिया, मैं कहा मर जाओ। सो उन बातों को सुने बिना फिर मैंने अपने मन की सुनी, जो मुझे अच्छा लगता है मैंने वो किया, और मुर्गा फिर हिट हो गया। तालियों में जाते
मैं दो तीन चीजों के खिलाफ हूँ. कुछ लोग कहते हैं बच्चों में, आपको अक्सर जो यूथ है उनको कहते होंगे तू वो कर जो तू करना चाहता है. कोई कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं तू डॉक्टर बन, तू वकील बन, तू ये बन. मेरे हिसाब से दो तरह के लोग होते हैं. एक अमीर जिसके पापा खुद डॉक्टर है, सर्जन है, वो कहेंगे कि बेटा तू भी सर्जन बन. जो हम जैसे लोग होते हैं ना उनके पास ऑप्शन नहीं होती है. हमारे घर वाले कभी नहीं कहते हमें, जो मिडिल क्लास से मेरे जैसे लोग हैं, कि आप डॉक्टर बनो, वकील बनो. वो एक ही लाइन कहते हैं, बेटा कामयाब हो. सो मुझे नहीं लगता कि आपके खून में शुरू से वो चीज होती है. कई जगह कहते हैं आपके खून में है टैलेंट, कॉमेडी, ये वो. कुछ नहीं होता. जब किसी चीज पे आपको एप्रिसिएशन मिलती है, इसका मतलब वो आपको अच्छी लग रही है, आपको लगता है मुझे अप्रिशिएट किया है, मैं और अच्छा करूं, और वही आपका पैशन बन जाता है. ये जरूरी नहीं होता कि मैं बचपन से ही बहुत अच्छा पेंटर था या मैं कॉमेडियन था. जो चीज आपको अच्छी लगती है वो करो, करोगे आपको एप्रिसिएशन मिलेगी. एप्रिसिएशन जब मिलनी शुरू हो जाएगी वही आपका पैशन बन जाएगा. सो इस चीज से बाहर निकल जाओ कि आपके खून में ही होता है. ऐसे तो मैं कभी कॉमेडियन बन ही नहीं सकता था. मेरी पूरी खानदान में कोई कॉमेडियन नहीं है. सारे बड़े बड़े काम करते हैं, कोई मोची है, कोई नाई है. तो ये बातें होती है. जो आपको अच्छा लगता है वो करो, और एप्रिसिएशन मिलेगी तो आप वही काम करना शुरू कर दोगे. और रेडियो मिर्ची में आना चाहते हो या किसी भी रेडियो में जाना चाहते हो, तो पहले होता था कि आवाज होनी चाहिए आपके पास इसी लाइन में. किसी भी टैलेंटेड खास तौर पर रेडियो की लाइन में जाना है तो आपकी आवाज में बेस होना चाहिए, आपकी आवाज क्लियर होनी चाहिए. मेरी आवाज में बिल्कुल बेस नहीं है. होता ना आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए, जी सुनो जी. मुझे लगता है कि जो आवाज होती है वो ज्यादा सेवा तेनों बहुत समझ लगा. सो मुझे लगता है कि जो चीज भगवान ने दी है वो तो दी है. अगर मुझे बेस नहीं दिया तो मैं आज ही नहीं बन सकता. कंटेंट होना बहुत जरूरी है. जो आप अलग लिखोगे, जो आप अलग लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर उसको पेश कर सकते हो तो आप बहुत अच्छे आरजी बन सकते हो. सो मेरी जिंदगी का यही फंडा है कि कुछ भी आपको लगता है वो शुरू करो, उसके बाद देखो होगा कि नहीं होगा. यही मैंने किया है. और इसी तरह मैं दीपक बना हूं, मैंने मूवीज लिखी. अच्छा मैं एक और बताता हूँ. एक ना मूवी थी, मुझे हुआ कि आरजे बहुत बन गया, बहुत रेडियो कर लिया, मैं फिल्मों में आना चाहता हूं. तो एक डायरेक्टर मेरे पास आया, कहता आप डायलॉग लिख लोगे? मैं कहा हाँ. वो मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं लिखा था, वैसे चाव में करी. हाँ वो मुझे प्रोड्यूसर के पास ले गया, कहता जी ये राइटर है, ये बहुत अच्छा लिखता है. और मैं मन में सोच रहा हूँ, मैं कहा फिल्मों में पैसा बहुत मिलता है, मैंने इसे कह देना कम से कम 50,000 लूंगा, नहीं तब बाय बाय किसी और से लिखा दे. उसने डायलॉग दिया, स्क्रिप्ट दी, मैंने एक पूरा सीन लिखा. सीन लिखने के बाद उस प्रोड्यूसर को बहुत अच्छा लगा. मैं कहा हूं तो 50,000 मिल ही गए. फिर मन में डर रहा हूँ, मैं कहा मैं 50 कह दूंगा, उसने 40 देने होंगे, फिर मैं कहूँगा 10,000 के लिए काम खराब हो गया, 30 पे भी मान ही जाऊँगा. सारा कुछ ओके हो गया. जब उसने फिल्म लिखने के लिए कहा, मैंने सारी फिल्म लिख दी, उसने कहा देखिए हमारा बजट कम है. मैं कहा साला 20 पे आ गया, हम 5,00,000 से ज्यादा नहीं देख सकते. मैं कहा पागल है, सच में मैं ऐसे मन में सोच रहा हूँ, पहले 50 फिर 40 पर 20 भी नहीं लेंगे. वो 5,00,000 बोल गया. So, देखो उसमें क्या हुआ कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मैंने एक फिल्म लिखनी है, मैंने ये कर देना. हालांकि वो मूवी, उसके बाद मैंने और मूवी लिखी माई सेल्फ कैट. अब तक जितनी पंजाबी मूवी बनी है उसने रिकॉर्ड बनाया है, वो पहली इकलौती पंजाबी मूवी है जिसे सिर्फ 17 लोगों ने देखा. सच में मेरे डैडी उठ के चले गए इंटरव्यू. मैं तो जब कोई कामयाब नहीं हुआ था डिस्कवरी चैनल देखता था, मेरे डैडी यहाँ से पकड़ते, अब तो बांदर भी टीवी पे आने लगे. तो सो जो भी मेरे साथ हुआ ना, मैंने कहा हाँ शुरुआत करते हैं, मैं करता हूँ, बाद में देखेंगे क्या होगा. क्या हम बहुत चीजें ऐसी हैं शुरू ही नहीं करते कि हम हार जाएंगे. एक ना बड़े अच्छे आदमी ने कहा है कि हार तब तक नहीं है जब तक आप हार मान लो, है ना. सो हार नहीं माननी कभी. और ये जो मेरी आईडी है ये काम की तरफ ध्यान देना, ये ना लड़की के पीछे मैं नहीं हार मानता, ओके करके रहेगी. ठीक है जी. सो मेरा नाम पक पक दीपक.
दीपक है, मैंने वो बातें बताई आपको जो मेरी जिंदगी में हुई हैं। सो अगर आपको अच्छी लगी हो तो 50-50 रुपए दे दो। तो मुझे अच्छा लगा, मैं कहता है 50 क्या 2000 दे। मैं बड़ा शर्मिंदा कर देता हूँ, देख के जाओगे फिर। थैंक यू सो मच, आपकी तालियां ही प्रॉमिस करो, किसी चीज से डरना नहीं है, बस एक बात करनी है, शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। और लड़का लड़की बोलो बोलो